तो मैं आपको ना एक सिटी दिखाने लगा हूँ, मैं आपको दिखाने लगा हूँ पाकिस्तान और महाराष्ट्र जो स्टेट है। बता दें कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% है, वहीं महाराष्ट्र की 12% जीडीपी ग्रोथ रेट है। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान की 1561 यूएस डॉलर्स है, वहीं महाराष्ट्र की 2500 यूएस डॉलर्स है। अरे यार, मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है यार? मतलब इमरान खान साहब आजकल जो है वो इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तकरीबन 278 अरब 80 अरब डॉलर की इकोनॉमी है टोटल, हमारी जो जीडीपी है। इंडिया को देखें वो तो कोई 2.8 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं। को क्या लग रहा है अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूं, हमारे जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र को भारत की मनी कैपिटल भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पैसा जो है वो इकट्ठा होता है। दोस्तों महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, इसी के साथ जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो तो पूरी दुनिया में फेमस है, इसी वजह से महाराष्ट्र की जीडीपी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ी है। दोस्तों महाराष्ट्र की जीडीपी वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा देशों को बीट करती है, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है। जब पाकिस्तानी लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र जो भारत का एक स्टेट है उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना है तो वे देख के काफी हैरान हो गए और वे कहने लगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अरे यार, मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है यार? क्या लग रहा है ये कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है ये? क्या पॉसिबल है ये? मतलब ये जो इंडिया के स्टेट का और पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का, ये कैसे मतलब पॉसिबल है, कैसे फर्क? तो आपको क्या लग रहा है अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूँ, हमारे मैं अब इधर प्राइम मिनिस्टर पे आ गई हूँ तो कह सकती हूँ हमारे शहबाज शरीफ आया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि पहले का ही है ये काम। आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग क्यों जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आगे हैं, क्योंकि उनकी स्टेट, उनके लोग एजुकेशन को ज़्यादा वो करते हैं, बॉदर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इनिशिएटिव नहीं लेते, दे वांट टू प्ले सेफ। मोर ओवर हमारे एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, हमें बस अपने एरिया में रह के अपने आप को करना है। एक्चुअली वी आर द सेल्फिश पीपल एज कम्पेयर टू हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि हम लोग एजुकेशन को बिल्कुल भी नहीं करते, हमें ये है कि जो चीज़ मुझे पता है वो बस मुझे ही पता हो, बट व्हाट दे गाइस डू, वो जो उनका पता होता है वो अपनी फैमिली को भी टीच करते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी टीच करते हैं कि वो एज अ नेशन दे आर यूनाइटेड। तो आपको क्या लगता है कि एज कम्पेयर टू इंडिया हमसे इतना ज़्यादा डिवेलप क्यों है? यहाँ पे हम जो मेहनत करते हैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं है। इंडिया में कोई भी कुछ करता है तो उसकी अप्रिसिएशन है, मैं ये कहूँगा, इसलिए वो ज़्यादा डिवेलप है और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा, इसलिए नहीं, वो कहते हैं छोड़ो यार, क्या है छोड़ो यार। वजह लगती है कि पाकिस्तान इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे क्यों है? असल में ना मसला एजुकेशन का है और टेक्नोलॉजीज़ का है, इस वजह से। तो फिर कब होंगे हमारी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ठीक? जब ये हमारा सोचेंगे, हमारी हुकूमत अभी होगा यार। तो आपका फिर उधर की हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि वहाँ की हुकूमत ज़्यादा अच्छा काम करती है? बिल्कुल, जिस महाराष्ट्र एक सिर्फ एक स्टेट है और पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, एक पूरी कंट्री है, तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती नहीं है? नहीं, एक जो सिटी है, एक जो सा स्टेट है पूरे पाकिस्तान से बड़ा, आप देखेंगे जीडीपी देख लें। सिर्फ गवर्नमेंट को और सिर्फ पब्लिक को नहीं कह सकते, जब गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके चलते हैं ना तो तभी एक स्टेट या एक कंट्री अच्छे से जा सकती है आगे। अब हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करें और अपने हैंड पे ना लें, या फिर हम खुद अपने आप को ब्लेम करें गवर्नमेंट को नहीं, तो ये मतलब किसी तरह भी सूटेबल नहीं है। गवर्नमेंट भी गलत है, हम भी गलत है। अगर हम और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलेंगे ना तो महाराष्ट्र का सबको बीट कर देंगे हम। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान महाराष्ट्र को या फिर पूरे इंडिया को बीट कर पाएगा किसी भी सेक्टर में? लगा ले आईटी के सेक्टर, लगा ले एजुकेशन, लगा ले इकोनॉमी, लगा ले जीडीपी, लगा ले, कर सकता है? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो अगर नहीं कर सकता तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम भी हैं, एक जगह पे हम हैं और एक जगह पे और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या फील किया देखने के बाद, कुछ चीजें सिमिलर लगी या फिर महाराष्ट्र आ गया या फिर पाकिस्तान आ गया, क्या समझते हैं? देखें, इंडिया एक सबसे पहले तो ये चीज़ की बहुत बड़ी स्टेट है, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हुए थे तो वन थिंग शुड बी इन योर माइंड के वो कहते हैं ना, जो बड़ा होता है, जो बड़ा भाई होता है हमेशा वो सारा कुछ ले जाता है, और एंड पे कहते हैं छोटे के पास, वो कहता है मेरे पास सिर्फ माँ है। तो पाकिस्तान के साथ भी ये हुआ, जितनी बड़ी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के पास भी थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेन चीज़ थी उनके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा जमहूरियत है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे उनसे 100 इख्तलाफा सही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ जितनी हुकूमतें हैं आज तक, प्राइम मिनिस्टर ने जितने अपने 5 साल मुकम्मल किए हैं, और पहली हुकूमत थी 2000
2013 में जिसने पहली हुकूमत थी, इसने अपना टेन्योर मुकम्मल किया, उससे पहले 2008 में, उससे पहले 2-3 साल आते हैं, 2-3 साल में जैसे हुकूमत सीधी होने लगी है उसके बाद तख्ता उड़ दिया जाता है, कभी अदम इतमाद आ जाती है। हुकूमत ने इक्तदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, आवाम को बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए थे, 1 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया, 50 लाख घर देने का वादा किया, इसके अलावा भी बेतहाशा वादे किए, लेकिन उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। और इन 2.5 सालों में महंगाई की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन 11 जून को हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, कौमी असेंबली का सेशन बुलाया गया है, 11 जून को तलब किया गया है और उसमें बजट पेश किया जाएगा। हमारी मासूम आवाम ने एक बार फिर से उम्मीदें लगा ली हैं कि हो सकता है कि हुकूमत इस बजट में अवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे। अब देखना यह है कि 11 जून को जो बजट पेश होने जा रहा है वो अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा। और एक आम आदमी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट महंगाई में थोड़ी सी कमी हो। लगाई साहब, आपने दादोशुमार बताए बड़े तफसीलन, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें हुकूमत कोई रिलीफ देगी या नहीं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल में ये बात सवाल ही बड़ा अजीब है। अच्छा। जब हुकूमत खुद इस चीज़ को देख नहीं रही है कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह मुश्किल का शिकार हैं, किस तरह भूख, अफलास, नंग, बीमारी, नादारी सब चीज़ में घिरे हुए हैं और हुकूमत दावे बड़े बड़े करती है। और ये भी एक और बात है कि हुकूमत को ये बात पता है लगाई साहब कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज ही महंगाई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे कि महाराष्ट्र जो कि भारत की एक स्टेट है उसकी GDP पाकिस्तान से कई गुना है और बाकी स्टेट की तो बात ही नहीं है भाई। महाराष्ट्र की GDP जो है वो वर्ल्ड में काफी ज्यादा देशों को पीछे छोड़ती है। दोस्तों पाकिस्तानी ये कह रहे थे देखो किस प्रकार से हम जो भारत की एक स्टेट का सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम भारत की एक स्टेट की GDP को जो है वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं तो हम पूरे भारत को क्या टक्कर देंगे। इसी वजह से पाकिस्तानी अब जो है वो ये मानने लग पड़े हैं कि भारत के साथ उनका मुकाबला नहीं हो सकता। भारत जो बहुत आगे निकल चुका है और भारत की हर एक सिटी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें डेवलपमेंट और सब कुछ जो वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। दोस्तों भारत की हर स्टेट में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है और इसी के पर जो वो आगे सरकार काम भी कर रही है।